संवाददाता धीरज ने सांसद सीपी ठाकुर से बातचीत की। सर, एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 543 एमपीज जो हैं उसमें से सिर्फ 35 एमपीज ही अपने फंड का इस्तेमाल सही ढंग से कर पाए, इस पर क्या कहेंगे? लेकिन इसमें थोड़ी बहुत कठिनाई भी है एमपी लोगों को लिखने का, भेजने का, उसके बाद वहाँ से पास होगा तभी जा करके जाता है, समय लगता है। हम लोग तो बहुत जगह दिए हुए हैं, अब कितना दिन से कह रहा है कि पैसे नहीं आ रहा है, जब तो नहीं काम हो रहा है, आएगा तो धड़ाधड़ आएगा तो हम लोग कर देते हैं पूरा अपने क्षेत्र में। अपना क्षेत्र हमारा तो बिहार भर का क्षेत्र है, तो डिमांड बहुत है, उतना डिमांड हम लोग मीट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा डिमांड ऑल ओवर। लेकिन जो लोकसभा का एमपी है उसको अपने क्षेत्र में ही देना है, तो वो लोग को भी कुछ दौड़ना पड़ता है ज़्यादा फंड रिलीज के लिए। तो अभी देख रहे थे कि उसमें लोग कह रहा है कि एक बार रिलीज कर दें तो अच्छा है, तो वो अच्छा है, वो हो जाएगा, तो अपना देख करके आदमी बैठा लेगा कि इतना ये 5 करोड़ रुपया कैसे कैसे देना है, तो वो अगर कर दे तो अच्छा है। दूसरी बात, अब बिहार की राजनीति की बात करें सर, तो बिहार में आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा या मुकेश सहनी के जाने से बीजेपी को कुछ परेशानी होगी? अब देखिए, अभी तो कहना मुश्किल है कि कोई परेशानी होगी। अब तो ये है कि हम लोग 17 सीट बांट लिए हैं, 34-6 हो गया, तो ये 40 सीट में अब कैसे हम लोग जीतेंगे, इसका अभी से प्रयत्न करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर, कैमरामैन अजय के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना।